नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। आज हम बात करेंगे स्टीम ब्लोइंग के ऊपर, तो डिटेल्स में देखेंगे स्टीम ब्लोइंग के बारे में कैसे करते हैं और किस मेथड से करते हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम स्टीम ब्लोइंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टीम ब्लोइंग करते क्यों हैं, तो इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हमारी हाई प्रेशर की स्टीम लाइन है ना, हाई प्रेशर स्टीम लाइन, ठीक, उनकी क्लीनिंग करते हैं। क्या होता है कि जब प्लांट में, जब हमारा प्लांट का इरेक्शन या कमीशनिंग चलता है प्लांट का, उस टाइम पे क्या होता है, जो हम हाई प्रेशर स्टीम लाइन होती है, इसको हम मतलब जैसे कि जो हम हाई प्रेशर स्टीम लाइन का इरेक्शन करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हम उसमें मतलब इरेक्शन करने के लिए क्या होता है, उसमें बहुत सारी हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक ना, पाइपलाइन में बहुत सारी वेल्डिंग होती है। तो वेल्डिंग के बाद क्या होता है ना कि जब वेल्डिंग के बाद उसमें कुछ मतलब फॉरन पार्टिकल्स पाइप के अंदर रह जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ स्लैग हो गया, डेब्रिस पार्टिकल्स हो गए, या फिर जो वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वेल्डिंग रॉड, वो भी छूट जाता है उसमें। ओके, तो इन्हीं सबको क्लीन करने के लिए हमें क्या होता है, स्टीम ब्लोइंग करना पड़ता है। अगर आप स्टीम ब्लोइंग नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट आप इक्विपमेंट से जोड़ देंगे, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप डायरेक्ट इक्विपमेंट से जोड़ देंगे और आप इसमें से डायरेक्टली स्टीम फ्लो करवाएंगे, तो स्टीम आपका उस फॉरन पार्टिकल्स और डेब्रिस को लेके आपके इक्विपमेंट में जाएगा और उस इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। ओके, तो इस डैमेज को होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टीम ब्लोइंग करना पड़ता है, उस लाइन की क्लीनिंग करनी पड़ती है। ओके, तो जनरली इसका जो मेथड है स्टीम ब्लोइंग का, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस ब्लो और सेकेंड है आपका पफिंग मेथड, ठीक। तो जो कंटिन्यूअस ब्लो है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इसमें हम कंटिन्यू ब्लो मारते हैं, और जो पफिंग मेथड है इसमें हम मतलब जैसे कि 5 मिनट्स के लिए मारा, ठीक, 5 मिनट्स के लिए ब्लो दिया, फिर रुक गए, ठीक, थोड़ी देर के लिए, अगेन फिर 5 मिनट्स के लिए देंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। ओके, तो पफिंग मेथड में ये होता है। तो मोस्ट जो प्रिफर किया जाता है वो पफिंग मेथड ही होता है। तो स्टीम ब्लोइंग को मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आप स्टीम मोमेंटम देंगे ना, मतलब आप जब ड्यूरिंग स्टीम ब्लोइंग, इसमें एक फंडा क्या होता है कि स्टीम मोमेंटम kept higher during blow as compared to steam momentum of maximum कंटिन्यूस ऑपरेटिंग मैक्सिमम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या है मतलब कि जो आपको स्टीम का मोमेंटम रखना है स्टीम ब्लोइंग के टाइम पे, वो हायर रखना है, किससे हायर रखना है, जो आपके स्टीम का मोमेंटम होता है कंटिन्यूस ऑपरेटिंग कंडीशन के टाइम पे, उससे हायर रखना है, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टीम ब्लोइंग होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, तो और क्या होता है इसमें, एक और चीज़ हम इसमें चेक करते हैं, जो कि होता है आपका क्लीनिंग फोर्स रेशियो, ठीक। क्लीनिंग फोर्स रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका स्टीम मोमेंटम ड्यूरिंग ब्लो आउट अपॉन मोमेंटम ड्यूरिंग नॉर्मल मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेशन, ठीक। तो क्लीनिंग फोर्स रेशियो क्या होता है, आपका जो स्टीम मोमेंटम है ड्यूरिंग ब्लो आउट पे,
ये एक रेशियो होता है स्टीम मोमेंटम ड्यूरिंग ब्लो आउट टू द मोमेंटम ड्यूरिंग नॉर्मल मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेशन। ओके, तो ये होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एक इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम ए का होल स्क्वायर इंटू वी वी अपॉन वी ए। ओके, तो इसमें ई क्या है, ई आपका क्लीनिंग फोर्स रेशियो होता है, ठीक, और आपका एम बी क्या होता है, एम बी, एम बी होता है आपका मास फ्लो, मास फ्लो ड्यूरिंग ब्लो कंडीशन। ओके, ये होता है आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपका एम ए क्या होगा, एम ए हो जाएगा आपका मास फ्लो ड्यूरिंग, मास फ्लो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेशन कंडीशन, ये भी आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, और आपका वी बी, वी बी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम ड्यूरिंग ब्लोइंग, ड्यूरिंग ब्लोइंग कंडीशन, ये आपका रहेगा आपके मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ओके, और सेम आपका वी ए हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम ड्यूरिंग मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक, ये भी हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो क्लीनिंग फोर्स रेशियो क्या होता है आपका, स्टीम मोमेंटम ड्यूरिंग ब्लो आउट अपॉन मोमेंटम ड्यूरिंग नॉर्मल मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेशन। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल एम एम बी अपॉन एम ए का होल स्क्वायर इंटू वी बी अपॉन वी ए, ठीक, जिसमें इसका ई क्या है, ई क्लीनिंग फोर्स रेशियो है, एम बी क्या है, मास फ्लो ड्यूरिंग ब्लो ब्लो कंडीशन जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, और एम ए क्या है आपका मास फ्लो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग ऑपरेशन कंडीशन। ओके, और आपका वी वी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है स्टीम का ड्यूरिंग ब्लो ब्लो ब्लोइंग के कंडीशन पे है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, और वी ए क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका स्टीम का ड्यूरिंग मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग रेटेड ऑपरेशन। ओके, ये भी आपका मीटर क्यूब पर के जी में रहेगा। तो जो आपका ये क्लीनिंग फोर्स रेशियो होना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड है आपका 1.4 to 1.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक, जो आपका क्लीनिंग फोर्स रेशियो होगा वो 1.4 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, तो आपका मतलब माना जाएगा कि हाँ मतलब स्टीम ब्लोइंग अच्छा हुआ। ओके, और हमको जब स्टीम ब्लोइंग करते हैं उस समय हमें ये भी इंश्योर करना है कि मतलब जो आपका स्टीम पाइप है ना, पाइपिंग सिस्टम पे सफिशियंट क्लीनिंग फोर्स अप्लाई करना है, क्लीनिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक, मतलब जब आप स्टीम ब्लोइंग करेंगे उस टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा पाइपिंग सिस्टम है उस पर सफिशियंट क्लीनिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक, जो क्लीनिंग फोर्स है वो आप इससे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए का होल स्क्वायर इंटू वी वी अपॉन वी ए, ठीक, और जो इसका स्टैंडर्ड होता है क्लीनिंग फोर्स रेशियो कितना होना चाहिए वो है आपका 1.4 से 1.5 के बीच में आना चाहिए। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो हम स्टीम ब्लोइंग करते हैं उस टाइम पे जो हम स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कितना रखते हैं, ओके, तो जो हम प्रेशर रखते हैं वो हम रखते हैं कितना आपका 50 से 55 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और जो टेम्परेचर रखते हैं हम, टेम्परेचर रहता है आपका 320 to 370 डिग्री सी। ओके, टेम्परेचर कितना रखते हैं, 320 से 370 डिग्री सी। ओके,
और इसमें क्या होता है कि जब हम स्टीम ब्लोइंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम इसमें थर्मल साइकिल का कूलिंग करते हैं। थर्मल साइकिल मतलब क्या होता है कि एक जैसे कि एक ब्लो आपने दे लिया, ठीक, मतलब फर्स्ट ब्लो दे दिया, उसके बाद जो सेकेंड ब्लो देंगे उसके लिए हम थोड़ा सा उसको उस जिस सिस्टम का आपने ब्लो किया, जिस लाइन का आपने ब्लो दिया है, उस लाइन को कूल होने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे उसको। तो मान लीजिए कि आपका मतलब एक सिस्टम का अभी मतलब एक ब्लो दे दिया, जो आपका ये है ये एक पाइप है, इसका आपने अभी एक ब्लो दे दिया, ठीक, तो इसके लिए हम फिर आपका कुछ देर रुकेंगे, उस लाइन को कूलिंग होने देंगे, अगेन फिर हम थोड़ी देर बाद उसमें फिर से ब्लो मारेंगे, ठीक। तो यही होता है आपका पफिंग मेथड, ओके। तो उसमें क्या होता है, हम थर्मल साइकिल का कूलिंग मेथड उसमें अप्लाई करते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि हम ओवरनाइट कूलिंग भी करवाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हमारा बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि आपने एक बार आपने ब्लो दिया, ओके, और उसके बाद आप उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपका डेब्रीज और स्लैग होते हैं ना पाइप के अंदर, वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। जब आप एक बार ब्लो मारोगे और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए उसको कूल होने के लिए छोड़ दोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डेब्रीज और स्लैग होता है वो इजिली पाइप से रिमूव हो जाता है, और जो हमारा क्लीनिंग होता है पाइप का वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, ओके। देखिए कैसे, मतलब इधर एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये आपका पाइपलाइन है और ये आपका आइसोलेशन वॉल है, ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका स्टैंड है, और ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है ये आपका टारगेट प्लेट है, ओके। तो ये एक स्टैंड टाइप का होता है, और जो हमारा लाइन होता है उसको लाइन के बीच में ऐसे लगाने के लिए स्पेस दिया होता है, वहाँ पे हम उसको मतलब जो टेम्प्रोरी पाइपिंग की रहती है उसमें हम इसको डायरेक्टली फिट करते हैं, और यहाँ पे आपको ये नट बोल्ट के थ्रू यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ओके। और ये जैसे ही हम आपका ये आइसोलेशन वॉल खोलेंगे ना, तो स्टीम आ जाएगा और इस पर इम्पैक्ट करेगा, ओके। तो ये रहता है मतलब हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं टारगेट प्लेट को, ओके। और जो टारगेट प्लेट का हमारा मटेरियल होता है वो कैसा होता है, एमएस का होता है, एसएस का होता है, एल्यूमिना होता है, और अदर कुछ आप मटेरियल ले सकते हैं एज पर अपने रिक्वायरमेंट से, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका जो पफिंग मेथड से आप कर रहे हैं, तो आपका जैसे भी 50 to 55 kg का प्रेशर आया है, तो इस प्रेशर पर आते ही आपको क्या करना है, आप उस पीरियड में बॉयलर की फायरिंग बंद कर देंगे, बॉयलर फायरिंग स्टॉप करेंगे, ठीक। बॉयलर फायरिंग स्टॉप करके तुरंत आप इस बॉल को खोलेंगे, जो आइसोलेशन बॉल है इसको, इस बॉल को खोलेंगे, और आपका स्टीम आना स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ सीधे टारगेट प्लेट पे आएगा, ओके। बट स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम मतलब कुछ जैसे कि 10 to 12 ब्लो जो मारते हैं वो विदाउट टारगेट प्लेट मारते हैं, ओके। 10 to 12 ब्लो विदाउट टारगेट प्लेट, 10 to 12 ब्लो क्या होता है, हम विदाउट टारगेट प्लेट मारते हैं, उसके बाद फिर हम टारगेट प्लेट लगाते हैं। तो इसका जो कंप्यूटेशन क्राइटेरिया वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम। कंप्यूटेशन क्राइटेरिया ये क्या होता है कि इसमें जो है कि बैक टू बैक, अब जब मतलब ये जितने भी क्राइटेरिया देखते हैं ना उसमें बैक टू बैक टू टारगेट प्लेट चेक, ठीक, मतलब दो टारगेट प्लेट बोल सकते हैं, फिर बैक टू बैक दो ब्लो दे के चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद ही हम जो क्राइटेरिया मैं नीचे कंडीशन लिखने वाला हूँ उसको, अगर वो सेटिस्फाई होता है उसके बाद हम मानेंगे कि हमारा मतलब जो स्टीम ब्लोइंग है वो कंप्लीट हो गया, तो उसके क्या है वो नो इम्पैक्ट विदिन अ डाया ऑफ 1 mm, ओके। और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है आपका, नो मोर देन फोर इम्पैक्ट विथिन अ डाया ऑफ लार्जर देन आपका 0.5 mm, ओके।
और एक और क्राइटेरिया आपका ये क्या है, नो मोर देन 10 इम्पैक्ट, नो मोर देन 10 इम्पैक्ट, इतना आया ऑफ लार्जर देन 0.22 0.5 mm, ओके। तो इसका कंपटीशन क्राइटेरिया क्या है, नो इम्पैक्ट विथ इन अ डाई ऑफ ग्रेटर देन 1 mm और नो मोर देन 4 इम्पैक्ट विथ इन अ डाई ऑफ लार्जर देन 0.5 mm, ओके। और नेक्स्ट है आपका नो मोर देन 10 इम्पैक्ट विथ अ डाई ऑफ लार्जर देन 0.2 to 0.5 mm, ओके। और ये जितने भी मतलब क्राइटेरिया है ये बैक टू बैक हम टू ब्लो पे चेक करेंगे। मतलब मान लीजिए कि एक ब्लो दिया आपने, एक ब्लो पे ये सारे क्राइटेरिया आपके आ गए, उसके बाद एक और हम ब्लो देंगे टारगेट पर लगा के उस पर चेक करेंगे, अगर उस पर भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसके बाद हम मतलब मानेंगे कि हम हमारा जो स्टीम ब्लोइंग है वो कंप्लीट हो गया, ओके। और कुछ स्टीम ब्लोइंग से पहले हमें कुछ प्री चेक्स करने पड़ते हैं, प्री चेक्स वो देख लेते हैं। तो प्री चेक्स क्या होता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमने टेम्प्रोरी पाइपलाइन बनाई है तो उसमें प्रॉपर सपोर्ट लगा है कि नहीं, प्रॉपर सपोर्ट है कि नहीं, प्रॉपर उसकी एंकरिंग हुई है कि नहीं, ओके, एंकरिंग हुई है कि नहीं, उसमें साइलेंसर लगा है कि नहीं, ठीक। क्या होगा, साइलेंसर नहीं लगेगा आपको, मान लीजिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप 50 kg के प्रेशर से मार रहे हैं, पाइप टूट के फेंका जाएगा कहीं तो, ओके। अगर साइलेंसर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, तो इसलिए हमें ये सब चेक्स करने पड़ते हैं। और फूटर भी चाहिए आपको, क्योंकि स्टीम ब्लोइंग से जस्ट पहले जैसे आप ब्लो देंगे उससे पहले आपको हूटर पर जाना है, ताकि उधर में कोई मान लीजिए अगर कोई मैन पावर काम कर रहा है तो वहाँ से हट जाए, ओके। तो हूटर भी आपके लिए ज़रूरी होगा, हूटर भी चाहिए होगा आपको, ओके। एक जनरल मैं अरेंजमेंट बताता हूँ आपको, प्रिपरेशन मतलब कि जो हम स्टीम ब्लोइंग की लाइन बनाएंगे टेम्प्रोरी लाइन वो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको मतलब MS की जो लाइन है उसका ब्लो करना है, तो मान लीजिए ये आपका सुपर हीटर का आउटलेट हुआ, ठीक। तो ये सुपर हीटर की आउटलेट, ये MS लाइन है आपकी, ओके, ये MS लाइन गई, यहाँ पे आपका MSS भी है, ये आपका MSS भी हो गया, ये गया आपका, ठीक। तो MSS भी आपका ये क्या रहेगा कि गवर्न, ये मतलब MSS भी मान लीजिए आपका ये गवर, मतलब आपका टरबाइन में ना ऐड करके, टरबाइन में ना जोड़ के इसको यहाँ पे हमें किस में क्या करेंगे, टेम्प्रोरी लाइन जोड़ेंगे इधर में, मतलब टेम्प्रोरी लाइन यहाँ जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला टेम्प्रोरी लाइन, ओके, टेम्प्रोरी लाइन। और इस लाइन में हम क्या करेंगे, ये तो आपका MS मतलब MS लाइन है, ये MSS भी है, इस लाइन में हम एक और आइसोलेशन वॉल दे देंगे, ठीक। ये आइसोलेशन वॉल हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये टारगेट पिट लगाने के लिए स्पेस छोड़ा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपका ये साइलेंसर में चला जाएगा, ओके, फॉर टारगेट प्लेट, ये है आपका आइसोलेशन वॉल, ओके। तो यहाँ से आपका सुपर हीटर से आपका सुपर हीटर आउटलेट से आपका स्टीम निकला, MS लाइन में गया, MSSB से होते हुए आपका ये सीधे टरबाइन वाले टरबाइन में ना जाके यहाँ से ये टेम्प्रोरी लाइन जोड़ देंगे, टेम्प्रोरी लाइन से आपका ये देख रहे हैं आपका आइसोलेशन वॉल से होते हुए यहाँ पे आपका टारगेट पर लगेगा, यहाँ से आपका कहाँ चला जाएगा, साइलेंसर के थ्रू एटमोसफेयर में। तो ये जनरल अरेंजमेंट है कि कैसे हमें टेम्प्रोरी लाइन बनानी रहती है ड्यूरिंग स्टीम ब्लोइंग, ओके। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का स्टीम ब्लोइंग पे, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो या कुछ समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।